गाइस एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम AFSB की सीरीज़ चला रहे हैं, सो आज मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट AFSB इंटरव्यूज़। तो गाइस, ठीक है, हमने एग्ज़ाम दे दिया फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज रिपीटर्स। जो बहुत कॉमन मिस्टेक हम इंटरव्यू में करते हैं कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता दैट वाई आर वी गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, व्हाट ब्रांच वी वांट टू ज्वाइन। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो निकलती हैं वो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे निकलती है कि हम एग्ज़ाम क्लियर करके किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमें अपना एम, हमें अपना टारगेट ही नहीं पता होता। दैट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या उनका वो बैकग्राउंड नहीं हो सकता, या हम बार बार सेम मिस्टेक करते हैं, हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। तो वो छोटी चीज़ें जो हैं दैट क्रिएट अ बेस बेसिकली, और हमारी मिस्टेक्स, हम वहीं से लड़खड़ा जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम गलतियाँ वहीं से कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं स्पेशली रिपीटर्स के केस में भी, उनसे बार बार ब्रांचेस पूछे जाते हैं, बट एक्चुअली उन्होंने कहीं से सुना होता है, देखा होता है, बट एग्जैक्ट नॉलेज हमें नहीं होती है। तो आज हम वो चीज़ें इसमें क्लियर आउट करने जा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे, AFSB इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एयरफोर्स के बारे में क्या नॉलेज है, रैंक्स एंड ऑनर्स एयरफोर्स के बारे में, ब्रांचेस आप कौन सी एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स के केस में, दोनों ही केसेस में ये क्वेश्चंस बड़े ही आम, बड़े ही कॉमन है, तो ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली पूरी की पूरी एयरफोर्स की हिस्ट्री, उसका मोटो, उसके रैंक्स, ऑनर्स एंड कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, एयरफोर्स के अचीवमेंट्स, वो सारी चीज़ें बेसिकली कवर अप करने वाले हैं, जो आपको एटलीस्ट अगर आपको इतनी नॉलेज रहे तो आप एयरफोर्स के SSB में जो AFSB हैं उनके क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट एयरफोर्स के इस पार्ट से आप आंसरेबल रहेंगे, ठीक है। सो आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल्स में, एंड AFSB की सीरीज़ जो है पूरी की पूरी चलती रहेंगी। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स, एंड आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट डिटेल। सबसे पहले बात मैं करूं अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो जैसे कि हमने बोला, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सिविल स्टूडेंट्स हो या इवन डिफेंस बैकग्राउंड से हों, या किसी डिफेंस में भी आर्मी नेवी के बैकग्राउंड के हों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट एयरफोर्स। मोस्ट पीपल से कि ठीक है, फाइटर्स के बारे में बात कर दी, मोटो के बारे में बात कर दी, ड्रेस के बारे में बात कर दी, रैंक्स बता दिए, बट एग्जैक्टली व्हाट व्हाट डू यू नो, हाउ टू स्टार्ट इट। तो उसके लिए हमें जो शुरुआत करनी होगी वो ये होगी, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ एयरफोर्स की, सो एयरफोर्स ने स्टार्ट करा था एक टाइनी फ्लीट के साथ विथ 4 वेस्टलैंड वापती आर्मी कोऑपरेटिव बाइप्लेन्स, 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर्स एंड 19 हवाई सिपाहीस। ऑलराइट, सो ये थी हिस्ट्री की कि एयरफोर्स की स्टार्टिंग बेसिकली कहाँ से हुई थी। आज अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट होते 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 एयरफोर्स हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड विथ हाईली टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स that safeguards our skies, enemies, invasions. All right. So starting देखिए हमारी कहाँ से हुई थी, टाइनी फ्लीट, 4 वेस्टलैंड वापती आर्मी कोऑपरेटिव बाइप्लेन, 6 RAF ऑफिसर्स एंड 19 हवाई सिपाही से आज हम 4th लार्जेस्ट पावर बन चुके हैं। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब चेंजेस कैसे कैसे आए वो हम कवर करेंगे। मेन चेंजेस आपके आना शुरू हुए 8 अक्टूबर 1932 से 1 अप्रैल 1954 के बीच में। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स केम इनटू बीइंग, एंड 1 अप्रैल 1954 एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एयरफोर्स, टुक ओवर द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इट्स नॉट एयर मार्शल, इट्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ, राइट। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो 8 अक्टूबर 1932 को बेसिकली आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जिस्टेंस हुआ, एंड 1954 में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ बने। ऑल्सो इस टाइम पीरियड के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट करा यूके को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम पीरियड जो आपका आया दैट वाज 1955 टू 1971, इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एक्विजिशन हुए जेट एयरक्राफ्ट के। हमने इस टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट वॉर्स देखे, वर्ल्ड वॉर, साथ ही साथ इंडो पॉक वॉर भी देखा हुआ था। ऑल्सो
इंडियन एयरफोर्स का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था यूएन पीस कीपिंग मिशन में इन कॉन्गो एज वेल एज इन साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। सो इस पीरियड में 1955 से 75 के बीच में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने करी। 72 से 90 की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा ग्रोथ पीरियड था इंडियन एयरफोर्स का। तो आप इस तरह से टाइमली डिवाइड करके इसमें से पॉइंट्स लेके आप मेमोराइज कर सकते हैं। 1972 से 1990 के बीच में हुआ क्या था कि इंडियन एयरफोर्स में बेसिकली 20 नए टाइप के एयरक्राफ्ट आपके आए थे, जैगवर्स आए थे एंड सेवरल वेरिएशंस ऑफ मिग इंट्रोड्यूस हुए थे। मिग जो है आपको पता है रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट है एंड इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने सेट करे थे इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्क्वाडन लीडर मकर एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्टिस्ट चिन्ना, उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बाय बॉम्बिंग फ्रॉम देयर MI-17 हेलीकॉप्टर इन लद्दाख एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,050 मीटर्स। सेकेंड रिकॉर्ड हमारा बना था स्क्वाडन लीडर संजय थापर जो थे फर्स्ट इंडियन पैरा जंप ओवर साउथ पोल। एंड लास्टली एंड मोस्ट फेमसली स्क्वाडन लीडर राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू वेंचर इन टू आउटर स्पेस। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज थी जिनका अचीवमेंट हुआ था 1970 से 1990 के पीरियड में, इसलिए ये पीरियड ऑफ प्रोग्रेस माना गया है। 1990 से आज के में हम देखें तो देयर आर एन नंबर ऑफ चेंजेस, काउंटेबल तो वो है ही नहीं एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग ऑन। बट मेजर चीज़ें जो हुई हैं वो ये हुई हैं कि वुमेन का इंट्रोडक्शन हुआ शॉर्ट सर्विस कंडक्शन में, एयरफोर्स ने बहुत सारे प्रेस्टीजियस ऑपरेशंस करे। 1999 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर करा था, मोस्ट यूनिक एयर ऑपरेशन जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी एयरफोर्स ने करा हो। और एयर अटैक्स हुए उसके बाद कई में, जैसे आप एयर स्ट्राइक्स हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो इस तरह की एयर स्ट्राइक्स करी हमने। आगे के डिफेंस अफेयर्स जो होंगे एयरफोर्स से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स उसको मैं कवर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक की बात सिर्फ इतनी की। मोटो क्या है अब IAF का, हमें सबको मोटो पता है बट एक्चुअली कहाँ से आया कैसे हुआ वो हम जानेंगे। मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स है टच द स्काई विथ ग्लोरी, कहाँ से लिया गया है, इट इज़ बीन टेकन फ्रॉम 11th चैप्टर ऑफ गीता। और कैसे लिया गया है, इट वॉज डिस्कस गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। यहाँ पे लॉर्ड बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी सुप्रीम डिवाइन फॉर्म दिखा रहे हैं अर्जुन को एंड द ग्रेट ऑफ द लॉर्ड इज रीचिंग द स्काई विथ ग्लोरी इवोकिंग फियर एंड लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन माइंड ऑफ अर्जुन। तो ये बेसिकली भागवत गीता के 11 चैप्टर से लिया गया है टच द स्काई विथ ग्लोरी। उसी तरह इंडियन एयरफोर्स का एम जो है इसी तरह टच द स्काई विथ ग्लोरी से ही रिलेटेड एम जो है टू ओवरवेलम एंड एडवर्सराइज विद एप्लीकेशन ऑफ एरोस्पेस पावर इन डिफेंस ऑफ द नेशन। ये आपका जो है मतलब हुआ मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जैसे कि हमने बात करी थी फेमस पर्सनालिटीज की इंडियन एयरफोर्स से कौन कौन है, सो सबसे पहले आपके विंग कमांडर जम्बो मजुमदार हैं, ठीक है। ये जो थे इनका नाम हुआ था बेस्ट फाइटर पायलट्स में। उसके बाद आपके आए एयर कमांडर मेहर सिंह, नेक्स्ट आपके हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, फिर आपके आए थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन, एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह, एयर चीफ मार्शल इरदिस हसैन लतीफ, एयर चीफ मार्शल लक्ष्मण माधव काटरे एंड विंग कमांडर राकेश शर्मा जिनके बारे में हमने बात की, फर्स्ट पर्सन टू एंटर, फर्स्ट इंडियन एक्चुअली टू वेंचर इनटू स्पेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी ब्रांचेस ज्वाइन करनी है, तो हमें ब्रांचेस के बारे में ही अवेयरनेस नहीं होती। सबसे पहले तो तीन ब्रांचेस होती हैं आपकी, फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ड्यूटी होती है एंड टेक्निकल ब्रांच होती है। अब हम बात करेंगे एक एक ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच में क्या होते हैं, पायलट्स होते हैं, बोथ मैन एंड वुमेन कैन बिकम पायलट्स। आपको एग्जाम देना होता है और आप पायलट ब्रांच में जाते हैं। पायलट ब्रांचेस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, फाइटर पायलट होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट पायलट होते हैं। बात करूं अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी की, तो ये डील करता है आपके कंट्रोल टावर से एंड मेट्रोलॉजिकल जंक्शन से,
ऑफिसर्स जो ग्राउंड ड्यूटी पे होते हैं उनका बेसिकली काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना फ्लाइंग ब्रांच के साथ, यानी फ्लाइंग पायलट्स के साथ। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, सो टेक्निकल ब्रांच जो है यूजुअली कंसर्न होती है एयरक्राफ्ट से ऑफ इंडियन एयर फोर्स एंड उनके इक्विपमेंट से। इसमें और भी अदर ब्रांचेस हैं, जैसे आपकी हो गई लॉजिस्टिक ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल एंड डेंटल ब्रांच। तो इन ब्रांचेस के भी आपके पास ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता ये है कि आपसे रैंक पूछ लिया जाता है एंड इक्विवेलेंट रैंक पूछ लिया जाता है। एक तो आपसे रैंक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन रैंक्स को बताइए। ऑल्सो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, पर्टिकुलरली कोई भी रैंक उठा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे एयर कमोडोर इज इक्वल टू विच रैंक ऑफ इंडियन आर्मी या विच रैंक ऑफ इंडियन नेवी। तो ये आप देखिए, इसी तरह मैंने बिल्कुल करा है, इंडियन आर्मी का जनरल, एयर चीफ मार्शल एंड एडमायरल, ये सारे आपके सेम पोजीशन पे हैं। सेकंड आता है लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल एंड वाइस एडमायरल। थर्ड मेजर जनरल ऑफ आर्मी, एयर वाइस मार्शल एंड रियर एडमायरल, सेम पोजीशन। ब्रिगेडियर, एयर कमोडोर एंड कॉमोडोर। कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन। लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर एंड कमांडर। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर। कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर एंड सब लेफ्टिनेंट। तो ये आपके रैंक्स हो गए इक्विवेलेंट। आप इसको मेमोराइज कर दीजिए, बिकॉज पिक्चर से क्या होती है आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। सो विच रैंक इज इक्वल टू व्हाट, इंडियन नेवी ये मेंशन है, एयरफोर्स दिस इज देयर, इंडियन आर्मी इज दिस देयर। सब में नंबर्स पढ़ रखे हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए कौन से रैंक किसके इक्वल है। अब जैसे कि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो उसी की डिटेल में बात करेंगे। अब रैंक ऑफ मार्शल इंडियन एयरफोर्स में क्या होती है? सो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है हाईएस्ट रैंक है एंड ऑनररी वॉर रैंक है, और ये अभी तक सिर्फ एक ही पर्सन को मिली है, वो है अर्जुन सिंह, जिनका डेथ हुआ था 2017 में। उसके बाद जो सुपीरियर रैंक जो अभी हमारी कंट्री में चल रही है, दैट इज एयर चीफ मार्शल है। सेकेंड हाइएस्ट रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स में। ओनली एन एयर चीफ मार्शल होल्ड्स द पोजिशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु इज प्रोफेशनली हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट रैंक आती है आपकी एयर मार्शल की, जो कि 3 स्टार रैंक है इंडियन एयरफोर्स में, हेल्ड बाय द ऑफिसर्स हु टिपिकली होल्ड वेरी सीनियर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन। नेक्स्ट रैंक आपकी इंपॉर्टेंट है एयर वाइस मार्शल की, विच इज अ 2 स्टार ऑफिसर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद आपका आता है रैंक एयर कमोडोर का, इट्स अ सिंगल स्टार रैंक, विच इज द जूनियर मोस्ट रैंक इन स्टार कैटेगरी। फिर आता है आपका ग्रुप कैप्टन, ये सीनियर कमीशन रैंक है इंडियन एयरफोर्स की, विच इज इक्विवेलेंट टू कर्नल इन आर्मी। विंग कमांडर आता है विच इज जस्ट बिलो ग्रुप कैप्टन बट अ सीनियर कमीशन रैंक। फिर आपके पास आता है स्क्वाडन लीडर का रैंक, विच इज जस्ट आफ्टर द रैंक ऑफ विंग कमांडर। फिर आप आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है कमीशन रैंक है, विच इज जस्ट आफ्टर स्क्वाडन लीडर। एंड ये जो इसको आप लेफ्टिनेंट भी एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक, फ्लाइंग ऑफिसर जो है कमीशन रैंक है, एंड समटाइम्स ग्राउंड ड्यूटी क्रू में आप इस रैंक को होल्ड करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कुछ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है, जैसे मास्टर वारंट ऑफिसर आप देखिएगा, ठीक है, वारंट ऑफिसर आप देखिए एंड जूनियर वारंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये कुछ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं। फिर हमारे पास आता है नॉन कमीशन ऑफिसर्स में, जैसे सार्जेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट मैन। तो सार्जेंट, कॉर्पोरल, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन एंड एयरक्राफ्ट मैन। सो दिस वॉज गाइज ऑल। बाकी मैंने वीडियोस बना रखी हैं जहाँ पे मैंने बताया हुआ है SSP स्पेशल सीरीज में सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट की रियलिटी, के जो हम पेरेंट्स को कंसिडर आर्मी में या एयरफोर्स में CO से कमांडिंग ऑफिसर के साथ करा जाता है, आपके लिस्ट ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, रिपोर्टिंग क्या है आपकी एंड प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें AFSB की। सो इस पे मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है। जितना मैंने अभी तक कवर कराया, आई होप
ये आपके बेसिक्स आंसर करने के लिए, अगर आपसे एक जनरल पूछ ला जाए तो आप इसमें से कोई भी कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पॉइंट्स उठा सकते हैं, व्हिच इज़ मोर देन इनफ टू आंसर व्हाट डू नो अबाउट इंडियन एयरफोर्स. रैंक्स एंड ऑनर्स मैंने बता दिए हैं. इसके जो स्पेशल डिफेंस अफेयर्स होंगे वो मैं अभी रिलीज़ करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो. देर इज़ अ सीरीज ऑफ AFSB दैट इज़ गोइंग ऑन ऑन आर चैनल ओनली. यू विल गेट लेटेस्ट वीडियो एवरी डे. So, all the best guys, do well, make your career in defense. It's actually very, very good experience to go into FSBs or SSBs. Just give your best, be what you are. Kisi aur ke experiences aap ke saath zaruri nahi honge. It's their experiences. Create your own experiences. Be what you are. My personal opinion, my channel, Government Crackers, is only going to motivate you guys, is only having an aim to motivate you guys that be what you are, focus what you are. Kisi aur ke experiences, kisi aur ke recommendation stories ya success stories padhne se you can only get motivated, but then ultimately your answers, your uniqueness is what you can only write it. So, इस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. What you have to work it out is success is the only key to get, hard work is the only key to get success, and your uniqueness is only going to get success for yourself. All right. So, all the best and best of luck.